इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया इसमें एनसीईआरटी घुस गई, जेसीबी की खुदाई देख रहा हो खड़े होकर ढाई घंटा। अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, तुम्हारा समय कहां जा रहा है बस उसका ध्यान रखना। मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का। इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मन पर तो काम करना ही पड़ेगा, यही दरवाजा है मन। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है, और अगर ज्यादा लग जाए समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म। दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं, आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पर ध्यान लगा दो खुदा बन जाओ, किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा, योगा करो, एक राउंड शहर का पूरा मार दो तब भी तो शक्ति बढ़ रही है, कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे? जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर ढाई घंटा, बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है 6, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे
एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो उसके बदले में कुछ आ रहा है, जूस पी लिए शरीर को ताकत मिल गई, बीड़ी पी लिए जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर, वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है। हैं? तुम स्वरा भास्कर जी की शादी पे कमेंट कर रहे हो, बधाई दे दो, उनकी मर्जी है, चाहे जिससे करें। अलग साहब हमसे आए, बोले वो भैया स्वरा भास्कर जी ने शादी कर ली। मैंने कहा तुम भी करना चाहते थे? अरे नहीं भैया, कहे मरे जा रहे हो। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की नॉवेल है, खरीद के पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लो, गांधी की किताब, कुछ कर लो जो गेन हो जाए, कुछ तो अंदर विकास हो। जीसस का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, लव इज गॉड। आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है, नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। तो जब आपने सबके प्रति अच्छा भाव बना लिया तो ये तो खाली हो गया ना। नफरत यहां है, अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, कि मन में रखे हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया, ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया, इसमें एनसीईआरटी घुस गई। इसको कूड़ा करकट से खाली करने का नाम है ध्यान। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मां बाप कुछ कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे मां बाप हमारे देश में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे एक साल में निकालना आईएस किसी भी कीमत पे, नहीं जानते वो, उनका दोष नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और हमसे 2 लाख रुपया लिए फीस, और 30,000 रुपया महीना, 3,60,000, 6 लाख के आसपास एक साल में ले लिए, और कह रहे हो कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अगले साल देंगे। भैया 6 लाख लगने के बाद भी अगले साल? कहते नहीं नहीं दे दो, इसी बार दो। अच्छा सुनो, ऐसा करो दे दो, इसी बहाने तुम जान जाओगे पेपर कैसे आता है। नहीं समझते हो, बहुत सारे मां बाप नहीं समझते, नहीं जान पाते परीक्षा की आवश्यकता क्या है, परीक्षा का संरचना कैसे होगी, रणनीति कैसे होगी, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। तो मैं सारे मां बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को उनके हिसाब से काम कर लेने दें। एक बार, मैं जानता हूं कभी कभी बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ा विषम परिस्थिति होती है, नहीं होती है दशा कि हम उसको कर पाए, लेकिन कम से कम एक बार। और इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर मां बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बनाए। आपको पता है जब आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है? कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना,
मैंने जब साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली तक की, तो शाम को मैं पिताजी को फोन करता था, मैं कहां पहुंचे, कानपुर, आज कितनी साइकिल चलाए, मैंने कहा 80 किलोमीटर, बोले वाह यार तुम तो 100 चला सकते थे आज। और वो एकमात्र लाइन इतना ऊर्जा भर देती थी। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है, आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं, मात्र उसके चेहरा बनाने से। और रिपोर्ट है ना, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है, कौन कह रहा था, आप कितने खुशी हो जाते। युद्ध में एक अहम भूमिका है उत्साह की, और जितना मां बाप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त मां बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो जो समझदार व्यक्ति है मां बाप हो सकता है, आपकी संगत हो सकती है, समाज आपके पीछे पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। 24 का इलेक्शन आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। महाभारत की एक कथा बड़ी प्यारी है कि अर्जुन की निगाह से मछली की आंख पे है, अगर आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया तो आप खत्म। आज के युवा के साथ क्या दिक्कत हो गई है, यही उसकी ऊर्जाएं इतने चैनल में भाग रही हैं। इसीलिए मैं बार बार ध्यान पे बड़ा बल दे रहा हूं, बार 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 हर क्लास में, हर जगह मैं जहां जा रहा हूं वहां ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से सूर्य की रोशनी को घास पे डालना। सूरज डेली चमकता है लेकिन घास में आग नहीं लगती, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। और मैग्नीफाइंग लेंस से जब आप वही सूर्य की रोशनी को घास पे डालते हो तो सारी रोशनी एक जगह आ जाती है, आग लग जाती है। ध्यान करो, हिंदू धर्म को मानते हो आंख बंद कर लो, मुंह से नहीं कहना है, और सांस देखना शुरू कर दो, अभी देख लो, आंख बंद कर लो, देखो मन शांत हो जाए। तुम अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो तो संभव ही नहीं कि मन चले। इसी को बुद्ध ने विपासना कहा। तो राजा कौन, जो चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। न्यूज़पेपर चुनौती, समाज चुनौती, आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। आम आदमी, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। परेशानी कह, आप कहोगे हमारे हाथ में है ही नहीं, और चुनौती, आज जातिवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, चुनौती, पढ़ने दो, आप अपना पढ़ाई करो, अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाओ। राजा कौन, जो अपने समय की चुनौतियों को समझे, सिर्फ समझे नहीं उनका उचित समाधान निकाले। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो, आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ, डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी।
लिखो क्या क्या चुनौतियां और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है और उसके मैसेजेस देखिए। आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे, खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ना हिंदू चुनौती है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है, मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो। साबित तो करो। न्यूटन 5वां नियम बता देता हूं कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी, गारंटी। गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद, गारंटी। और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सारे धर्मों ने संयम, पेशेंस पर बड़ा बल दिया है।